बहनों भाइयों नमस्ते, एक बार फिर जोरदार नमस्ते आपको यस टीवी पर भी और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। बहनों भाइयों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर तो आया हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने जमाना देखा है। जी हाँ, एक बहुत लंबा दौर देखा है और इनकी जो उम्र है 83 साल है। बहनों भाइयों, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, ये हमारे लिए धरोहर होते हैं, क्योंकि एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक पहुंचाना, एक जनरेशन की बातों को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ये काम किया करते हैं और हमेशा मार्गदर्शन दिया करते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय भी है। और आज ऐसी ही शख्सियत को हम आपके सामने लेकर आए हैं। मैं मिलाना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साझा रेडियो पर। धन्यवाद। मैं बहनों भाइयों आपको ये बताना चाहूँगा कि सर जो है बहुत ऊंचा सुनते हैं, इसलिए शायद मुझे इनको क्वेश्चंस जो है ना वो ऊंची आवाज में बताने पड़ेंगे, इसलिए आज जरा आप मेरे साथ थोड़ा सा कोप अप कर लीजिएगा। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्री खैराती लाल आहूजा। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने एक लंबा जमाना देखा है, एक लंबा दौर देखा है, तो ये बताइए कि आप पहले ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए साहब, पहले ज़माने में हम लोग इकट्ठे बैठते थे, गांव में रहते थे, बड़ा प्यार था, बहुत मतलब मिलजुल के सारे काम करते थे और कोई किसी के बाद मन में वैर विरोध नहीं होता था। लेकिन आजकल तो गांव में भी खराबी है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं पंचायत के चुनाव में, और उसके अतिरिक्त आजकल शहरों में तो बिल्कुल बुरा हाल है, भाई भाई का दुश्मन है, गांव में भी यही हाल है। घर में चार भाई हैं तो चारों के कमरे अलग हैं, अलग टीवी लगे हुए, ये ज़माना आजकल का है। पहले ज़माने में हम सब लोग एक ही कमरे में बैठ के गुजारा करते थे और हमें सतली थी, खुश थे, लेकिन आजकल हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। सुखी तब थे कि हमें हमारे में इत्तेफाक था, प्यार था, लेकिन आजकल के ज़माने में तो प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन के दुश्मन है, दुश्मन भाई का, ये हालात है आजकल के ज़माने में। और पहले ज़माने में भाई बहन के लिए जान देता था और बहन भाई के लिए, आजकल के ज़माने में ये हाल है कि जायदाद के लिए भाई बहने भाई का कत्ल कर देती है, करवा देती है। आपने भी शायद देखा होगा, सुना होगा। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही बात है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, क्यों प्यार नहीं है? ये ऐसा है जी कि आजकल भौतिक जमाना है, पैसा अधिक होने के कारण हम लोगों में प्यार खत्म हो गया। दो चीज़ें एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकते, पैसा और प्यार एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या पैसा वहाँ प्यार नहीं होगा? प्यार गरीबी थी हमारे पास, प्यार था, अब पैसा हमारे प्यार ही नहीं। सही बात है। अच्छा साहब, आपसे अभी बहुत कुछ जानना है और आपने बहुत जो नज़दीकी से देखा उसी चीज़ को आप बयान कर रहे हैं। आहूजा साहब, एक बात बताइए कि आपने आज़ादी के पहले का भी दौर देखा है। देखो देखो सर, उस दौर में क्या खासियत थी? कहते हैं कि बड़ा बुरा दौर था, बड़े गुलाम थे, क्या वाकई में क्या दौर था सर, मुझे बताइए। देखा जी, उस वक्त हम छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, और उस वक्त कोई गांव में एक सिपाही आ जाता था ना, सारा गांव थर थर कांपने लग जाते। और आज डीसी आ जाए, डीएसपी आ जाए, कोई परवाह नहीं है, थप्पड़ मार देते। ये आज़ादी का हम लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, वास्तव में हम आज़ादी के काबिल नहीं थे। जो हमें मिली है गलत मिली है, क्योंकि हम करप्शन कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, अंग्रेजों के बजाय हम खुद लूट रहे हैं। सही बात है। इतना है कि वो बाहर ले गए थे और हमारा लूटे शहर, हम घर शहर में कहाँ है, वो भी स्विट्जरलैंड में जमा करवाते हैं। सही बात है, बहुत सही बात है, स्विस बैंक में। आजकल के अंग्रेजों ज्यादा लुटे रहे हैं, आप एक एक मिनिस्टर की देख लिए कि अरबों खरबों की जायदाद है, राजे महाराजाओं से ज्यादा शान है। सही बात है। अच्छा सर, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था
जो आज़ादी की लड़ाई चली थी, तो क्या आपने इस लड़ाई को करीब से देखा है जो लोग आंदोलन किया करते थे? नहीं, तब मैं छोटा था। अच्छा, कितने छोटे थे सर? 11-10 साल का था। अच्छा अच्छा, उस वक्त जमाना बड़ा भोला होता था, आजकल के 2-2 साल के होशियार हैं बच्चे। सही बात है सर। और उस वक्त 12-12 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां इकट्ठे घूमते थे, प्यार करते थे, कोई नफरत नहीं, कोई बुरा ख्याल नहीं। आजकल के जमदे बच्चों के हालात ये हो रहे हैं कि रेप हो रहे हैं, 6-6 महीने के, 7-7 साल के, 2-2 साल, 4-4 साल के। और इससे बुरा जमाना क्या होगा? सही बात है सर, सही बात है। उस वक्त हम इतने खुश थे कि आपको बता नहीं सकते, मेरे विचार में पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा जिंदगी इंसान का दुश्मन है। आप जरा सोना पाओ कि देख बाहर चलिए, आपको हाथ काट लेंगे, चैन खींच लेंगे, और नहीं बस लगे गोली मार देंगे। तो आप क्या समझे पैसा सब कुछ है? नहीं, सब कुछ है प्यार। पैसा मात्र जीवन को चलाने के लिए है, अन्यथा देख पैसा दुख का कारण है। लेकिन सर बस बात यही ना कि आज हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम करते हैं, एक चीज कमी है, वो भी चाहे हमें खुद बिकना पड़े वो लानी है। दुखी तभी है अगर हमारी इच्छा सीमित होंगी, दुखों का मतलब ही नहीं है। हमारी इच्छाओं का कोई अंतहा ही नहीं रहा, एक पूरी होती दूसरी शुरू कर देते। पहले जमाने की कोई इच्छा ही नहीं थी, मुफ्त से गरीबी मुफ्त से जो मिल गया खुश है, कोई तमन्ना नहीं कि करोड़ बनाओ और बढ़ो। अब करोड़पति कहना कि जब तक अरबपति नहीं बनूंगा सांस नहीं लूंगा। सही बात है, ये बात भी सही। अरबपति कहता है कि जब तक खरबपति नहीं बनूंगा मेरा कोई जीवन नहीं है। सही बात है। भाइयों एक चीज मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको, एक और बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों की। हम सर की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और जो जो भी ये बात कह रहे हैं इसमें बिल्कुल शत प्रतिशत सच्चाई है। और बहनों भाइयों अभी इनके मुंह से क्या क्या बातें निकलेंगी ये आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि यस टीवी पर और रेडियो पर हम एक साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, आप हमें देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि इनके नज़रिए में क्या है आजकल बुजुर्गों की स्थिति और किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। सर आजकल देखा जाए कि जो ओल्ड एज होम जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को, दादा दादी को घर से दूर उस ओल्ड एज होम में रखते हैं जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं। तो सर ये चलन अभी पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा है, क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, इसका उत्तर मैं बड़े साधारण शब्दों में दूंगा। जो बुजुर्ग ओल्ड एज में जाते हैं या बच्चे भेजते, क्यों भेजते, आप इसका जवाब देंगे? नहीं, वो बुजुर्गों का ही कसूर है। क्या कसूर है? बच्चों को टोकते हैं, ये ना करो वो ना करो, बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, चलो बाबा हम खर्चा दे देंगे तू वहाँ बैठ, क्यों हमारे को खराब करते। सही बात है, बहुत बहुत। और उसके बाद आजकल विरासत की जिंदगी जी रहे हैं लोग, पहले आराम से रहते थे, बुजुर्ग भी थे, टांटते भी थे, फटकारते भी थे, लेकिन आज कोई सहता ही नहीं बच्चे बुजुर्गों की। जवान बाप की नहीं सहता बेटा, 5 साल का बेटा बाप को आंखें दिखाता है। बहुत खूब, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर एक विराम लेना होगा, एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक में एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और उसके बाद में लौटकर मिलते हैं आपके इस प्यारे से प्रोग्राम में और आहुजा साहब से बातों को आगे बढ़ाते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में।